इंदौर में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब हुई। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हुआ है और 100 के स्कोर से पहले ही आधी टीम आउट हो गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले घंटे में इतना सब कुछ हो गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पिच को लेकर लगातार बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलियाई फिरकी के आगे सब कुछ फेल हो गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यह फैसला एक ब्लंडर साबित हुआ। टेस्ट मैच के पहले ही घंटे में टीम इंडिया की आधी टीम आउट हो गई। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जितेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर के बीच मानो तू चल मैं आया वाली रेस लगी थी। पहले दिन का लेंच खत्म होने तक भारत ने 84 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए हैं। विराट कोहली, गिल ने क्रीज पर कुछ देर रुकने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी जबरदस्त करने वाली इस पिच पर ज्यादा देर तक कामयाबी नहीं मिल पाई। अश्विन और अक्षर की जोड़ी मैदान पर है। इन दोनों से भारत को 150 के स्कोर तक पारी को बढ़ाने की उम्मीद होगी। हालात देखकर लग रहा है कि इस मैच का नतीजा 2 दिन में ही आ सकता है। सो या दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।